तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। अभी हम हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हरिद्वार, और हरिद्वार में हम हर की पौड़ी घाट पे। वेलकम टू द हरिद्वार। राइट नाउ वी आर इन हर की पौड़ी। तो हमारे साइड में हर की पौड़ी है। इधर बाइक पार्किंग जगह नहीं है, पीछे तो दिखी नहीं हमें। अच्छा, गंगा आरती कितने बजे होती है? 6:30 बजे होती है। अच्छा, अभी हम हैं हर की पौड़ी घाट पे, जो कि यहाँ का सबसे फेमस घाट है। ये हमारे पीछे गंगा नदी बह रही है, और ये पूरा का पूरा जिस पे हम खड़े हुए हैं वो पूरा पूरा हर की पौड़ी घाट है। ये रेलिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ पर लोग नहाते हैं। और अभी कुंभ का टाइम चल रहा है, कुंभ चल रहा है, तो कुछ पर्व होते हैं। अभी भी कुछ लोग नहा रहे हैं पीछे। तो अभी पूरा खाली है, भीड़ नहीं है, क्योंकि शाम का वक्त है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ठंड तो है ही हरिद्वार में, हर जगह ठंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मंगला है ना। अभी आरती कितनी होती है? आरती 6:40 में भैया। 6:40 में, चलो ठीक है। सुबह वाली भी वही टाइम है, 6:40। चलिए, तो सो राइट नाउ टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं, 6:50। 10 मिनट हम लोग लेट हो गए, वरना हम लोग आरती मिल जाती। एंड अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा वो जाके देखें। उसमें हम अभी ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश से वापसी आए हैं। एंड वापसी में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग गंगा आरती ले लेंगे, बट गंगा आरती नहीं हो पाई, क्योंकि गंगा आरती हुई थी 6:40 पे, ख़त्म हो गई थी। हम लोग 6:50 पे यहाँ पर आ पाए, तो गंगा आरती मिस कर दी। जैसा कि आप कहीं भी नहाने जाते हैं कुंभ पे या किसी घाट पे, तो वहाँ पर ये रेलिंग्स नहीं बनी होती हैं। तो यहाँ पर ये रेलिंग्स बनी हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, कि जिससे कि आप 2 सीढ़ियाँ नीचे ही जा सकते हो, और 2 सीढ़ी के बाद आप ज़्यादा नहीं जा सकते हो, आपको ही नहाना पड़ेगा। तो ये सेफ्टी के हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया गया है। एंड मैं पहले भी एक बार आया तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बस ये साकर जो यहाँ पर नीचे होती हैं ये थी, जिसको आप पकड़ के नहा सकते हैं, बट गिरने और डूबने का चांस रहता था। बट अभी सेफ्टी के हिसाब से देखें तो ये सब पूरा बंद कर दिया गया है। और ये घाट सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पर लोग नहाते हैं, क्योंकि इस घाट की सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो जो भी लोग आते हैं सब इसी घाट पर नहाते हैं, और इसी घाट पर नहाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर कोई नाव से गिरता है तो अगर बह के जाए तो ये यहाँ पर सांकल लटकाई गई, जिसको पकड़ के रुक जाए। हमने बाइक यहाँ पर पार्क की थी बिल्कुल जस्ट सामने। अभी हम लोग ये जो हर की पौड़ी का जो मार्केट है, इसमें ज़रा जाएंगे एंड घूमेंगे। सो हेयर वी आर हर की पौड़ी मार्केट, मार्केट बोल सकते हैं, या रिवर साइड, गंगा नदी किनारे ये सब होटल बने हुए हैं। जो भी लोग मार्केट करना चाहे मार्केट के लिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। एंड ये हमारे सामने मेन हर की पौड़ी घाट है। एंड यहाँ पर ये मंदिर है, मेन मंदिर, जो कि अभी बंद है। यहाँ पर ये कबूतरों के रहने के लिए घर भी बनाए गए हैं, छोटे छोटे, जिसके अंदर कबूतर रह सकें। तो एक नहीं, काफ़ी सारे बने हुए हैं यहाँ पर ऊपर, जिसमें कबूतर आराम से रह सकते हैं। अच्छी बात है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हर की पौड़ी घाट का, क्योंकि काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी वीडियो में रिकॉर्ड हो। सो थोड़ा सा बनाया, बस जो भी है, बस ये है घाट है, यहाँ पर आप कहीं भी नहा सकते हैं।
सो देट्स अ हर की पौड़ी बट अभी इतना ही है क्योंकि अब दिखाने के लिए कुछ है नहीं, काफ़ी चीज़ें बंद भी हैं। इधर मेरे साइड में एक और VIP घाट पड़ता है जो कि अभी बंद है, बंद अंदर से अभी हम जाएंगे भी नहीं, रात भी होगी, रात में जाना अलाउ है कि नहीं पता नहीं। एंड ठंडी भी काफ़ी बढ़ रही है, ठंड लग रही है कायदे की, तो ठंड लग रही है। हम तो चलो जैकेट पहने हुए हैं, अंदर भी स्वेटर पहने हुए हैं, अब इनको दिखा नहीं सकते, वरना कुछ नहीं पहने हुए हैं, खाली बस चले आए थे ऐसे ही। एंड यहाँ पर गंगा जी का भाव बहुत तेज है, ये इतना मैंने कहीं नहीं देखा, और भी जगह हम नहाने गए हैं गंगा जी, बट इतना तेज भाव नहीं देखा, तो यहाँ पर भाव तेज है, ठंडक भी बहुत है। सो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कहीं और की होने वाली है, हम कहीं और जाने वाले हैं, तो अभी हम आज ये हरिद्वार की लास्ट वीडियो है एंड उत्तराखंड की भी लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम जाएंगे कहीं और, वो बता लेगा कल के वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।